देखिए भारतीय जनता पार्टी जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति वर्तमान सरकार ने की है, उन नियुक्तियों के विरोध में प्रदेश उच्च न्यायालय में एक पटिशन फाइल की है और उस पटिशन के माध्यम से कि ये जो चीफ पार्लियामेंट्री की पोस्ट है इसको चैलेंज किया है। और क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी आती है और जब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है तो जो लेजिस्लेशन का मूल मंत्र, जो छोटे राज्यों को आपने मंत्री बनाने से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसका बायोमीडिया नहीं हो सकता। आपको ध्यान होगा कि इससे पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने सीपीएस बनाए थे और उनको प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन सब की नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी, लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर वही गलती की है। तो गलती की है तो अपोजिशन का काम उस गलती को उजागर करना है और उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे सीपीएस और डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है उसको भी उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। सर अगर बात की जाए तो जिस तरह से अन्य चार राज्यों की बात की जाए वहाँ पर भी सीपीएस की नियुक्ति की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कड़ा संज्ञान लिया था, तो क्या लगता है विपक्ष ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है तो न्याय मिलेगा? 100% न्याय मिलेगा। देखिए हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखती है। तो हम इनकी जो सीपीएस की नियुक्तियां हुई है इसमें तो कुछ राज्यों ने एक्ट बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्ट ही स्ट्रक डाउन कर दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्ट ही स्ट्रक डाउन कर दिए तो ये तो नियुक्तियां हुई हैं, ये 100% स्ट्रक डाउन होंगी, इसमें तो कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। कोर्ट ने अगर बात की जाए डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी जो है वो सरकार से जवाब तलब किया है, तो क्या लगता है डिप्टी सीएम की कुर्सी भी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे के घेरे में है? आप संविधान को उठा लीजिए, संविधान में मुख्यमंत्री है और उसके बाद मंत्रिपरिषद है, उप मुख्यमंत्री का तो जिगर ही नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री का जिगर ही नहीं है तो किस बिहार पर बना? लेकिन कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री है, क्या वहां पे आवाज नहीं उठाएगी या फिर क्या लगता है आपको उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पहली बार बने हैं, इसलिए हमने भी पहली बार ही उप मुख्यमंत्री जी की उस नियुक्ति को चैलेंज किया है। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, एडमिशन ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टेक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।